लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हिरण्यकश्यप की तपती ज्वाला नमो ब्रह्मदेव नमो जगन् निर्माता नमो दिव्य वर प्रदाता विविध प्राणी ललाट लेखन महाविद्यानुसंधाता धाता नमो नमः वत्स हम प्रसन्न हैं तपस्या से इच्छा पूरी होगी तुम्हारी वर मांगो करुणाकर मेरी कभी मृत्यु न हो ऐसा वर दीजिए यह असंभव है जन्म लेने वाला प्राणी मरता ही है तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि जल थला आकाश में दिन में कि रात में भीतर या बाहर अस्त्र से कि शस्त्र से कीट पशु पक्षी अथवा देव दानव मानव से मेरी कभी मृत्यु न हो रणभूमि में मेरा पराक्रम अजोड़ हो लोकपालगण मुझे कभी न जीत सके लोक लोकांतर आपकी कृपा से मैं विजय कर सकूं कश्यप पुत्र ऐसा वर आज तक कभी किसी को नहीं मिला तथापि तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर हम ये वर तुम्हें देते धन्योस्मि धन्योस्मि शुभ समाचार स्वामी मेरे पति की तपस्या सफल हुई हाँ हाँ ब्रह्मदेव के दर्शन मिल गए हाँ हाँ मेरे प्राणेश्वर को अमर होने का वरदान प्राप्त हुआ है अमर होने का तो नहीं कह सकता पर उसी के समान वरदान प्राप्त हुआ है अर्थात जल में नहीं थल में नहीं अग्नि में नहीं भूमि पर नहीं आकाश में नहीं पाताश में नहीं भोर में नहीं रात्रि में नहीं घर के बाहर नहीं भीतर नहीं देव दानव मानव से भी नहीं सर्प जीव जंतु से भी नहीं समस्त अस्त्र शस्त्रों से भी नहीं मरण असंभव है तुम्हारे प्राणेश्वर का ऐसा है मुनिंद्र तो मृत्यु पर विजय में रहा क्या और मृत्यु पर पूर्ण विजय से नहीं कह सकते किंतु कुछ ऐसा ही है नारद लीलावती दानेश्वर देवी स्वागतम दानेश्वर शुभ समाचार मैंने नारद महर्षि से सुना मैंने भी सुना देवी उस घमंडी देवेंद्र ने अपने पराभव से अंधा होकर तुम्हारा अपमान किया है उस सुरपति को पछाड़कर उससे अवश्य बदला लूंगा भूल जाएं स्वामी वो एक बुरा सपना था नारद महर्षि की दया से उन्हीं के आश्रम में आश्रय मिला मुझे नहीं माता मैंने क्या दया की मेरा सौभाग्य है ये दानवेंद्र की पटरानी इसी आश्रम में ही माता बनी है मेरे पूर्व जन्म का पुण्य फल है ये देवी राजकुमार कहाँ है पुत्र मुख देखने को आंखें व्याकुल हो रही हैं। स्वामी चिरंजीव के मुख पर जगमगाती ज्योति के दर्शन कीजिए हाँ देवी दानव सार्वभौम का पुत्र है ना मांगे हुए वरदानों के साथ ब्रह्मदेव का बिन मांगा दिव्य प्रसाद है अवश्य अवश्य इस पुत्र के जन्म से दैत्य वंश पवित्र हो गया मेरे प्रिय पुत्र की यश और कीर्ति अनंत काल तक लोक लोकांतर में फैलती रहेगी सत्य है परम सत्य है स्वामी चिरंजीव का नामकरण हो जाए हाँ देवी सार्थक मधुर नाम होना चाहिए गुरु से पूछेंगे हम स्वामी गुरुतुल्य नारद मुनि तो यही है सर्वपक्षपाती किंतु तुमने रक्षा की है मेरी पत्नी की और आश्रय दिया है संकट काल में इसलिए हितैषी हो तुम नामकरण करो ये बालक सदा सबको आह्लाद देगा प्रहलाद अत्यंत सार्थक नाम है मंत्री सामंत दंडनायक प्रमुख दानव वीर गण ब्रह्मदेव के प्रसाद से हिरण्यकश्यप महावीर तीनों लोकों में नहीं है
जय यात्रा को तैयार हो जाओ। पहले अपने सहोदर के हत्यारे मायावी उस विष्णुपुरा वैकुंठ में जाकर आक्रमण करेंगे, उसके बाद सुरपति देवेंद्र को पछाड़कर हम उससे प्रायश्चित कराएंगे। अष्ट दिक्पालों को जीतकर अपने पैरों का दास बनाएंगे। तीनों लोगों को जीतकर हम त्रैलोक के साम्राज्य सार्वभौम कहलाएंगे। चलो वैकुंठ की जय यात्रा पर। जय हिंद कृष्ण महाराज की जय। जय हिंद कृष्ण महाराज की जय। जय हिंद कृष्ण महाराज की जय। एए, कहां है तुम्हारा हरि? शीर सागर में अनंत से यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं। ए? सुनो हरि, तुम्हारे ही सम्मुख। छे, झूठ बोलता है। नहीं, सत्य है, तुम्हारे ही सामने। कहीं दिखता तो नहीं? तुम जैसे दुष्ट आत्मा को हरि दर्शन दुर्लभ है। छे, विष के कीड़े मेरे सामने ही फन फैलाकर बकवास करता है। गिरा ले फन। हाँ, ध्यान रहे, फिर कभी फन उठाया तो ठीक ना होगा, फन के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आज से इस वैकुंठ का मैं ही प्रभु हूँ। गायर है तुम्हारा श्री हरि, मारे भय के कहीं भी क्यों न छिपे, मार डालूंगा उसे। ओए हरि, कहाँ है तू? वैकुंठ पर आक्रमण हुआ किंतु श्री हरि फिर भी वैकुंठ में सोते ही रहे, भला अब क्या उपाय है? उपाय? जब हम में शक्ति नहीं तो हार मान लेना ही उपाय है। हार तो मान सकते हैं किंतु क्या इससे वो हमें छोड़ देगा? संदेह है मुझे। मैं समझता हूँ वो हमें छोड़ देगा, पर आपने लीलावती का अपहरण किया था, आपसे वो अवश्य ही बदला लेकर रहेगा। यह अन्याय है दंडधर, मैंने सभी का भला सोचकर ही लीलावती का अपहरण किया। हमें एक मत होना चाहिए, परिणाम भला हो या बुरा हम मिलकर ही भोगेंगे। हिरण्यकश्यप महाराज की जय। 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 छोटे कीड़े मिलकर आज बड़े कीड़े की शरण में आ गए हैं। वाह वाह, इन दुखपालों का मुखारविंद ऐसा मलिन क्यों दिखाई दे रहा है? ओ समझा, शरणार्थी है ना, संकट पड़ने से मुरझा गए हैं। हाँ, और वो तुम्हारा स्वर्ग का महानायक देवेंद्र कहाँ है? यही हूँ सहोदर। छे, तुम मेरे सहोदर हो? मौसी के बेटे हैं, भाई नहीं तो क्या है हम। अच्छा, जब मैं बाहर था तुम मेरी पत्नी का अपहरण करने पधारे थे, तब कहाँ था संबंध? उस मायावी श्री हरि की सहायता से असुरों को अमृत से वंचित करते समय कहां था ये संबंध? दानव द्वेष के कारण दानव वंश निर्मूल करने के लिए मेरे शिशु की हत्या करनी चाही थी। पाषाण हृदय, तुझे लज्जा नहीं आती भाई बनते हुए? जो हो गया सो हो गया, शांति के लिए बीते हुए को भुलाकर संधि कर ले हम। छे, दुर्बलों की राजनीति, ऐसी शांति की संधि बराबरी में होती है, तुम्हारे साथ क्या संधि? तुम और तुम्हारे दिक्पाल गण आज दास है मेरे, इस स्वर्ग लोक का ही नहीं लोक लोकांतर का सार्वभौम सम्राट हूं। दानव वीरगण, स्वर्गलोक की सुंदरियों को यौवन मदवाती रंभादी अप्सराओं का नृत्य कौशल देखकर आनंदित होने की मेरी बड़ी पुरानी इच्छा रही है, पकड़ लाओ उन्हें। ये कष्ट क्यों? मैं बुला देता हूं। शीघ्र बुलाओ। रंभा, मेनका, उर्वशी, तिलोत्तमा। देवेंद्र, इस इंद्र पदवी का तुम्हें क्यों इतना लोभ है उसका कारण मैं जान गया। दानव वीरगण, पालों को बंदी कर हिरण्य नगर ले जाओ। देख लिया नारद, त्रिलोक को जीत कर मैंने प्रतिज्ञा पूरी की। हाँ राजन, दिक्पालों और देवताओं से सुशोभित यह सभा मंदिर सचमुच आपके प्रताप से जगमगा रहा है। सेनापति, इन सबको कारागार में डाल दो। दानवेश्वर, क्या? एक छोटा सा निवेदन है। इन्हें अपने अपने स्थानों पर ही रहने दीजिए। फिर वही बातें, पक्षपात करते हो। पक्षपात नहीं कर रहा, त्रिलोक के शासन के लिए योग्य शासक की आवश्यकता है।
आपकी आज्ञा से ये लोग शासन करेंगे, किंतु सार्वभौम सम्राट तो आप ही माने जाएंगे ना? हाँ, ये सुझाव बुरा नहीं। प्रशासन में दक्ष लोगों की सेवा ठुकरानी नहीं चाहिए। मेरी आज्ञा सिर माथे रखोगे? मानते हो? मानते हैं सहोदर। फिर वही सहोदर, इस प्रकार संबोधन करोगे तो तुम्हारी जीभ के टुकड़े कर दूंगा। भूलोक में यज्ञादि से प्राप्त हवि का भाग भी अब से मुझे मिलेगा। मिलेगा? मैं ही तीनों लोकों का सम्राट हूं, भगवान हूं, इसको स्वीकार करो। करते हैं। आज से मेरा ही नाम जपा करोगे? जपेंगे। क्या जपेंगे? ठहरो, एक बार सब मिलकर मेरा नाम जप कर दिखाओ। बोलो, नमो हिरण्याय नमः। नमो हिरण्याय नमः। नारद, कैसा मधुर सबूगान। और एक बार नमो हिरण्याय नमः। फिर एक बार नमो हिरण्याय नमः। यही नहीं, तुम्हारे सब लोगों के निवासी केवल मेरा ही नाम जपेंगे। मंदिरों में मेरी ही मूर्ति स्थापित होगी, नित्य पूजा भी मेरी ही होगी। आए महामंत्री, साम्राज्य भर में हरिनाम बंद करा दो, केवल मेरे ही नाम की माला जपी जाए। ओम हिरण्याय नमः, ओम मरिवीर भयंकराय नमः, ओम देवदान पूजिताय नमः, ओम लीलावती मनोहराय नमः, ओम दिति तनुजाय नमः, ओम कश्यप प्रजापति पुत्राय नमः, ओम चतुर्मुख ब्रह्म पौत्राय नमः, ओम कठोर तप संपन्नाय नमः, ओम हिरण्यकशिपाय नमः। लोकनायक, त्रिलोक में हिरण्य नाम की धूमधाम मची है। दानवों के अत्याचार की सीमा नहीं रही। हरि भक्तों का आप पालन करने वाले हैं। दुष्टों के नाशक, साधुओं के रक्षक, आपको छोड़ हम किसकी शरण जाएं? स्वामी, लोक लोकांतर में हाहाकार मचा है, आपका मौन रहना अनुचित है प्रभु। दिक्पालगण, शांत हो। इस समय हिरण्यकश्यप को जीतना किसी के लिए संभव नहीं। जब समय अनुकूल होगा उसका संहार मैं ही करूंगा। तब तक ये अत्याचार अपमान तो होगा ही, धीरज धर कर इसे मानना ही होगा। स्वामी, जगत नाटक के सूत्रधार को भी कुछ असंभव है क्या? संभव असंभव के लिए समय असमय का विचार है देवी। ये समय हिरण्यकश्यप के उत्थान का, फिर पतन प्रारंभ होगा। पुत्र ही पिता के मरण का कारण होगा। प्रहलाद मेरे ही अंश से तो जन्मा है। देवेंद्र को कुछ चिंता कुल देख रहा हूं। संभव है किसी जय यात्रा की कल्पना में है। त्रिलोक विजय के बाद भी कल्पना? फिर इस चिंता का कारण? प्रह्लाद। नमस्कार मुनेंद्र। नमस्कार देवर्षि। दीर्घायु रस्तु, सुबुद्धिशाली। मंद बुद्धिशाली। ये क्या दानवेश्वर? यही चिंता है मेरी, इससे कोई रोग है जड़ता का। न भूख है न प्यास, न हंसना न बोलना, न बच्चों में खेलना न कूदना। वास्तव में दानव कुल सम्राट के पुत्र जैसे अहंकार या गर्व का लेश मात्र तक नहीं है इसमें। अकेला बैठा बैठा मुस्कुराता सा रहता है पागलों जैसा। हाँ लीलावती, स्मरण है तुम्हें? जन्म लेने पर जब पहली बार रोया था तो रोलाई में करुण कोमलता सी थी। ओहो, समझा मैं, यह आश्रम वातावरण का प्रभाव है। क्यों ना हो,
गर्भवती स्त्री को यदि कंदमूल फलादि का सात्विक भोजन कराओगे तो फिर उसका पुत्र भला और क्या होगा। हतोस्मी, इसका भी अपराधी मैं ही हूँ। स्वामी, अपने हितैषियों की निंदा करना उचित नहीं होगा। कुमार अभी बालक ही है, उसकी उन्नति का उपाय सोचना चाहिए। एक ही उपाय है, विद्याभ्यास के द्वारा इसकी बुद्धि कुछ तीव्र हो सके तो हो सकती है। देवी, उत्तम विचार है, विद्याभ्यास के लिए मेरे आश्रम में भेज देंगे। बस करो नारद बस, और अधिक कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें। बेटा, दानव कुल दीपक को, भावी सम्राट को, सकल शास्त्र पारंगत, नीति में दक्ष होकर साम्राज्य को चलाना है। ऐसा विद्याभ्यास से ही संभव है। जैसी आज्ञा, श्रद्धा से अभ्यास करूंगा। संतुष्ट हुआ। महामंत्री, गुरुपुत्रों को बुलाओ।